गुड मॉर्निंग अनिल जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की मेरी लॉन्ग टर्म पिक है वर्लपूल इंडिया लिमिटेड। मैं रिपीट करता हूँ, वर्लपूल इंडिया लिमिटेड मेरी लॉन्ग टर्म पिक है। ये स्टॉक होम अप्लायंसेस स्पेस को बिलोंग करता है। स्टॉक पिछले 2-3 सालों से अंडर परफॉर्मर था, बट रिसेंटली ये स्टॉक ने एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक ने वीकली चार्ट पे एक डबल बॉटम भी बनाया है रिसेंटली, और उसके बाद जो अपसाइड ब्रेकआउट लेवल था 1750 के ऊपर, उस पे उसने ब्रेकआउट भी दिया है वीकली और मंथली चार्ट पे। जो टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी तक वीक था वो काफी स्ट्रांग हो गया है रिसेंटली पोस्ट द ब्रेकआउट। हमें लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। स्टॉक का भी रिसेंटली सपोर्ट 1900 के करीबन है, और जो स्टॉक का बेस है वो करीबन 1675 टू 1700 के करीबन है। बाइंग मोमेंटम काफी स्ट्रांग है करंट जंक्चर पे, और रिसेंटली स्टॉक ने अच्छी खासी रैली भी दी है, तो एक हल्का सा पुल बैक आ सकता है। बट मुझे लग रहा है कि ये पुल बैक में स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो ये जो स्टॉक है, हम करंट भाव पे या तो डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। इसका जो पहला जो लक्ष्य रहेगा वो 2300 का रहेगा, और दूसरा लक्ष्य रहेगा वो 2550 का रहेगा, और इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1675 का। तो इसमें करीबन 1 साल के होराइजन से मुझे लग रहा है 25 से 30% की अपसाइड पॉसिबल है। ओके, तो ये है राय आपके लिए वर्लपूल में खरीदारी करने की लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर।